तो आ चुकी हैं एडवांस सर्वर की काफ़ी सारी की अपडेट्स जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एडवांस सर्वर ओपन होने वाला है, तो उसकी जो है अपडेट्स आ चुकी हैं, तो इस वीडियो में बताऊंगा वही सब। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, अच्छा लग जाए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, अगर कोई भी अपडेट अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो पहली अपडेट है वो सबसे बड़ी अपडेट है अपने गेम के अंदर, एयरशिप है उसको लेकर। तो अब एयरशिप में आप चढ़ सकते हो, उसके ऊपर जा सकते हो, लूट कर सकते हो, वहाँ से एनिमी को मार सकते हो। क्या कैसे होगा देखो इस वीडियो में। मतलब जगह जगह पर आपको एक जिप लाइन की तरह देखने को मिलेगा ये ऐसा, और इस पर से आप मतलब जो है चढ़कर जा सकते हो एयरशिप पर, और वहाँ पर लूट कर सकते हो, और फिर एयरशिप जो है चल देगा वहाँ से, और उसके ऊपर आप रह सकते हो या कूद सकते हो। कूदोगे तो डैमेज नहीं होगा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, वीडियो में समझ जाओगे। तो यहाँ पर मतलब कूद सकते हो, और अगर नहीं तो लूट करो ऊपर, और ऊपर ही सर्वाइव करो। बेसिकली ये मतलब रैंक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन वाला भी रहेगा, क्योंकि सारे बंदे मतलब लगभग इसी पर चढ़ेंगे, और फिर सारे जो भी मतलब सर्वाइव करना चाहेगा इस पर, उस पर जो अटैक होगा ज़रूर होगा, क्योंकि और भी बंदे आएंगे उसके ऊपर। तो बेसिकली एक अच्छी चीज़ है, गेम को जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा मिले, अच्छा बनाएगा। इस पूरी क्लिप को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मतलब ऐसा नहीं समझा सकता, बट हाँ वीडियो को देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो है आपको हर जगह पर लगभग देखने को मिलेगा। पहले एयरशिप आता था, लूट गिराकर चला जाता था, लेकिन अब आप उस पर चढ़ सकते हो, उसी के ऊपर रह सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रहो, लेकिन हाँ मतलब टाइम जो है अच्छा खासा निकल जाएगा, लगभग एक दो जोन उस पर जा सकते हैं। अगली चीज़ है इस कार को लेकर। इस कार जो गन थी वो अभी तक नॉर्मल गन थी, कोई नहीं चला रहा था। जब से M4A1 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 आई, मतलब M4A1 Z, तब से इस कार को बिल्कुल सबने छोड़ दिया था। चाहे इस कार आपकी मतलब कोई सी भी हो, जो मेगलोडॉन इस कार आई थी वो भी लोग नहीं चला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ M4A1 के पीछे पड़े थे। तो अब जो है इस कार में चिप लगा दी गई है, इस कार में चिप लग सकती है, और वो चिप लगाकर अपग्रेड करके उसे जो है मतलब चलाया जा सकता है। यहाँ पर ट्रेनिंग में देख सकते हो बंदा चिप लगाकर यूज कर रहा है। तो अब जो है इस कार का भी मतलब जो है बंदे जो है इस कार को भी यूज करेंगे। काफ़ी सारे बंदों ने इस कार को छोड़ दिया था, बल्कि इस कार काफ़ी अच्छी गन है, बहुत से लोग पहले चलाते थे AK, इस कार सभी गन चलते थी, बट जब से ये M4A1 Z वाला सिस्टम लॉन्च हुआ, M4A1 Z और M14 Z, ये इन दोनों गन्स ने जो है पूरे गेम की ऐसी तैसी कर दी। सारे बंदे M4A1 Z के पीछे ही भागते हैं, हालांकि मैं भी भागता हूँ, मतलब सभी में सभी आते हैं। तो फिलहाल अब जो है इस कार में चिप लग सकती है, तो अब जो है गेम जो है थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब सारी गन्स का फिर से यूज होने लगेगा। अगली चीज़ है ग्लू बॉल बम टाइप का, मतलब ग्लू बॉल भी है और बम भी है। वो कैसे, देखो ये फोटो देख रहे हो आप, ये इसका नाम अभी मतलब सही से नहीं पता, हो सकता है कोरेंसिव ऐसा कुछ, मतलब हो सकता है कुछ अलग रखा जाए, क्योंकि यार अभी बाहर के सर्वर पर यहाँ चेंज हो जाता है। तो इसका यूज होगा बेसिकली ग्लू बॉल को फोड़ना। वो कैसे, आप ये क्लिप देखो, यहाँ पर मतलब ग्लू बॉल लगाए बंदे ने, और जैसे ही वो बंदा जो है इसके ऊपर अपना वो ये नया वाला ग्रेनेड डालता है, वैसे ही ग्लू बॉल की आत्मा निकलने लगती है। मतलब देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर अच्छे से, तो ये एक नया टाइप का ग्लू बॉल या जो भी कहो आएगा, बॉम्ब बोल सकते हो, जो भी आएगा फिलहाल पता चल जाएगा। लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होने वाला है, लेकिन बेकार भी होगा, मतलब उतना ज़्यादा खास नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के पास स्काइलर है तो उससे फोड़ देते हैं, और इससे बहुत लेट फूटता है ग्लू बॉल, और मतलब पता नहीं इसकी क्या रेंज होगी, पता नहीं मतलब सामने ज़्यादा दूर अगर एनिमी होगा तो क्या करेंगे। तो ऐसे हो सकता है मेरे हिसाब से कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा ना हो, बट हाँ अब नया फीचर दिया है तो देखेंगे एंजॉय करके। और ये आपको जो है मशीन में भी मिल जाएगा, वैंसेड मशीन में भी मिल जाएगा। और मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यू करेक्टर आने वाला है, तो नया करेक्टर आने वाला है और आ चुका है। इसका नाम होने वाला है ताता सुइया, मतलब ताता सुइया ऐसा कुछ होने वाला है। एक फीमेल करेक्टर भी आएगा, फीमेल का नाम है लूना। तो तात्सुया की एबिलिटी आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर, इसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ भागने वाला रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये कुछ सेकंड के लिए तेज भाग सकता है, मतलब हो सकता है अभी ये लेवल 1 पर हो, लेकिन जब लेवल 6 पर पहुँचेगा तो हो सकता है और तेज भागे और स्पीड में भागे। तो मतलब यही सब चेंजेस होने वाले हैं। बेसिकली इसकी एबिलिटी जो है भागने से ही रिलेट होगी, जैसे केली है, बट केली तो मतलब देखता नहीं है कि केली तेज भाग रही है, या राफेल को उसको, अरे वो कौन सा करेक्टर है जो मतलब डैमेज खाकर तेज भागता है, नाम भूल गया। तो फिलहाल वो भी दिखता नहीं है, मतलब ये जो है दिखेगा, इसमें एनिमेशन वगैरह आएगा और पता चलेगा कि यहाँ करेक्टर तेज भाग रहा है। तो फिलहाल के लिए इतने ही अपडेट्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, कमेंट करके बताओ यार कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे, मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे वो जो है एयरशिप वाला फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि फाइटिंग बहुत होगी, बहुत सारा इन्जॉय होगा गेम में, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।